कैलाश जी, क्या लगता है, राम मंदिर निर्माण भी अब शुरू हो चुका है, तो आपको लगता है कि देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में इसमें कोई सीधा बेनिफिट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? देखिए, मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में धूम मचा रखी है, और आप देखेंगे कि मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजना है, योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर, मोदी जी और योगी जी ने मिलकर जो डेवलपमेंट प्लान किया है, इन सब ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर सबसे अलग और सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। पर इसलिए ये चुनाव भी पिछली बार से का एक तरफा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैलाश जी धर्म रक्षक बनकर उभरे हैं एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि हम तो आपको उत्तर प्रदेश में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपकी चिट्ठी ने आपको फिर एक बार मध्य प्रदेश में सुर्खियों में ला खड़ा किया है। धर्म रक्षक हो गए आप, अब इतने से सीहोर के अंदर यदि इतनी बड़ी कथा को आप नहीं संभाल सकते तो आपको तो नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है वहाँ पर, और इसलिए ये बेशर्मी की हद है और मैं समझता हूँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। फिर प्रशासन का फेलियर जब होगा तब आप सामने आएंगे, अब मुख्यमंत्री जी को आपने चिट्ठी? मैं किसी से डरता नहीं भाई साहब, है ना, एक बात बता दूं, मैं ना पार्षद हूँ, ना विधायक हूँ, ना सांसद हूँ, मैं एक जनता का सामान्य आदमी हूँ, सामान्य नागरिक हूँ। पर अगर इस कहीं पर भी इस प्रकार की गड़बड़ी होगी तो मैं तो टॉलरेट नहीं करता हूँ। क्या हम कैलाश जी का एक बदला हुआ रूप नहीं देख रहे हैं इन दिनों? एमपी की जनता, इंदौर की जनता आपको बहुत मिस करती है, क्योंकि आप जैसा जनप्रतिनिधि और फाइटर पॉलिटिशियन उसका अभाव दिखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जब भी कोई यहाँ कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए दिल्ली से इंदौर आ जाते हैं तो क्या ये मिसिंग जो है लगातार? देखिए, मैं भी मिस करता हूँ। देखिए, इंदौर को कौन मिस नहीं करेगा यार, इंदौर शहर ही इतना प्यारा है कि जो अधिकारी यहाँ आता है वो सबसे कहता है कि यार रिटायरमेंट के बाद प्लाट यहाँ पे लेना, तो पहले से प्लाट लेके जाता 20 साल बाद रिटायर होगा, पर प्लाट पहले इंदौर में खरीदता हूँ।